नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। पथरिया विधायक रामबाई गोविंद सिंह परिहार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को पंच दिवसीय दीप पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत तिदौनी से सरपंच एवं मध्य प्रदेश सरपंच संगठन के अध्यक्ष श्री सौमेश गुप्ता की ओर से समस्त क्षेत्र एवं प्रदेश वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है देवरी से। जी हां, सागर के देवरी में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एडिशनल एसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। सागर जिले के गौर झामर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है नीम घाटी का ये मामला है। शरीर पर दिख रहे हैं निशान एवं रक्त रंजित होने से प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सागर जिले के गौर झामर थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर गौर झामर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुजानपुर नीम घाटी के नीचे फोर लाइन के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की रक्त रंजित युवक की लाश मिली है, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि सूचना मिलते ही सागर एडिशनल एसपी विक्रम से एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड टीम, देवरी एसडीओपी पूजा शर्मा सहित गौर झामर पुलिस स्टाफ मौके पर पहुंचा था। सबकी पहचान नहीं हो पाई है हालांकि, लेकिन एडिशनल एसपी विक्रम सेन ने बताया है कि मामला संज्ञान में आया है कि सब एवं घटनास्थल की बारीकी से जांच की तो आंख के ऊपर चोट होने एवं फ्रैक्चर होना नजर आ रहा है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है, जिससे जिले के थानों में दर्ज गुम इंसानों के मामले के आधार पर पहचान करने की कवायद की जा रही है। जी हाँ, पंचनामा बनाकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए देवरी भेजा गया है एवं गौर झामर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच पहुंचे। एसडीओपी साहब, एसडीओपी वगैरह सभी लोग पहुंचे वहां पे, तो संज्ञान में आया कि लगभग 30 साल एज का एक व्यक्ति डेड अवस्था में है। हमारी एफएसएल टीम आई, एफएसएल डॉक्टर, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट सभी आए। जब बारीकी से जांच की गई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः इसका मर्डर हुआ है। ये लगभग 30 साल है और इसके बाईं आंख के ऊपर चोट लगी हुई थी। टेम्पोरल बोन भी फ्रैक्चर है, शायद इंटरनल ब्लीडिंग इसकी एक्सेसिव हुई होगी। तो इसके वेरियस एंगल्स हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और पीएम कराने के लिए अभी हमने देवरी भेजा है। पीएम के बाद और क्लियर हो पाएगी चीज़ें। नाम चूँकि अभी आइडेंटिफाइड नहीं हो पाया है, तो आसपास के थानों की गुमशुदगी और आसपास के जिलों से भी फोटोग्राफर हमने भेजी है ताकि नाम आइडेंटिफाई हो पाए। और अन्य एंगल जो हमारे जांच के रहते हैं, उस एंगल के लिए अलग टीम बनाई जा रही है। ये थी देवरी से हमारे संवाददाता त्रिवेंद्र जाट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज। गुप्ता ऑप्टिकल्स विकास गुप्ता दमोह की ओर से पंच दिवसीय दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्ता ऑप्टिकल्स, जहां पर कंप्यूटर द्वारा आंखों की निशुल्क जांच के अलावा नजर, सिरदर्द एवं ऑपरेशन के चश्मे बनाए जाते हैं। पता स्टेशन चौराहा दमोह।